हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा कि कर्व स्टोन और इंटरलॉक कैसे लगाया जाता है, इसका क्या तरीका है, कितने सारे इसके स्टेप हैं, ये सारा चीज़ इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ कि इस साइड में मैं कौन सा इंटरलॉक यूज़ कर रहा हूँ। दो कलर का यूज़ कर रहा हूँ, एक ग्रे कलर है और एक रेड कलर है। रेड कलर का साइज़ जो है 6 सेंटी का है, उसका थिकनेस है, और उसका जो लेंथ है 20 सेंटी और विड्थ जो है 10 सेंटी। ये मुझे जो फुटपाथ है उसमें यूज करने वाला हूँ। और ये हो गया ग्रे, जिसका थिकनेस जो है 8 सेंटी है, 8 सेंटी बाई 10 सेंटी बाई 20 सेंटी। इसको मैं पार्किंग में यूज़ करूँगा। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाता हूँ कि इंटरलॉक इंस्टॉल करने से पहले आपको क्या क्या तरीका अपनाना पड़ेगा। इंटरलॉक जो फिक्स करने से पहले आपको सबसे पहले कर्व स्टोन फिक्स करना है। कर्व स्टोन का जो थिकनेस है 15 सेंटी, और आप जो लेफ्ट साइड कर्व स्टोन देख रहे हैं, इससे जो पार्किंग एरिया होगा 15 सेंटी डाउन होगा, और कर्व स्टोन का थिकनेस भी 15 सेंटी। उस हिसाब से मुझे ये PCC रेडी करना पड़ेगा। PCC रेडी हो रहा है, इसको मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, लाइंड्री जो रखा हुआ है 15 सेंटी अप PCC से, और ये जो कर्व स्टोन है 15 सेंटी, इसमें आसानी से आ जाएगा इसी लाइंड्री के लेवल से। ये हो गया कर्व स्टोन, आपको दिख रहा है। कर्व स्टोन का साइज़ है टोटल 15 सेंटी थिकनेस, इसका विड्थ है 30 सेंटी और लेंथ है 90 सेंटी। इसको जो शिफ्ट किया जाता है, एक क्लैंप के जरिए शिफ्ट किया जाता है, इससे बहुत ही आसानी होती है क्योंकि इसका जो वेट है बहुत ज़्यादा है। ये आपका जो कर्व स्टोन है PCC के ऊपर फिक्स किया जा रहा है, और इसको लेबल करने के लिए कोई वुडन का हेल्प लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम हैमर से इसको मारेंगे तो इससे टूट सकता है। देखिए, ये तरीका है इसका, इसको लेबल करने का। हैमरिंग करके इसको लेबल किया जाता है कर्व स्टोन को। और ये लाइन डोरी जो है आपका पार्किंग का जो साइज़ है, लाइन डोरी टोटल जो साइज़ है इसका 2 मीटर 50 सेंटी फुटपाथ से। ये लाइन डोरी सीधा आपका फेस में जा रहा है कर्व स्टोन का। तो दोस्तों, मेरा कर्व स्टोन इंस्टॉल हो चुका है। अब दोनों साइड से आपको दिखा रहा हूँ मैं। ये कर्व आपको दिख रहा होगा क्योंकि इसमें ड्राइंग में ऐसा ही कर्व दिया हुआ है। इसके बाद जो सेकंड स्टेप है, एग्रीगेट लेवलिंग। अंडर इंटरलॉक जो एग्रीगेट डाला जाता है, उसको हम लेवल कैसे करें उसका तरीका मैं आपको बताता हूँ। इसमें क्या होता है कि आपको एग्रीगेट डालने के बाद आपका जो इंटरलॉक है 8 सेंटी का, उस हिसाब से आपको लेवल करना पड़ेगा एग्रीगेट को। देखिए, यहाँ पे दोनों साइड दो पाइप रखने के बाद इसको लेवल किया जा रहा है। ये फुटपाथ कर्व स्टोन है, इससे 15 सेंटी मुझे डाउन रखना है इंटरलॉक को। ये दो आपका जो एग्रीगेट है, एग्रीगेट डालने के बाद एक पॉइंट बना जाता है दोनों साइड। ये हो गया मेरा 8 सेंटी का इंटरलॉक, ऊपर से आप 15 सेंटी लेगा, ये हो गया मेरा 15 सेंटी। अब इस हिसाब से मुझे क्या करना पड़ेगा, पूरा एग्रीगेट डालना है एडजस्ट करने के बाद। तो चलिए, मैं आपको फुटपाथ में जो इंटरलॉक इंस्टॉल हो रहा है वो दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आप मेरा एग्रीगेट लेवल हो चुका है, अब सिर्फ ये इंटरलॉक फिक्स हो रहा है। ये डिज़ाइन जो है क्रॉस डिज़ाइन है, इंटरलॉक का क्रॉस डिज़ाइन, 6 सेंटी का इंटरलॉक है। और ये हो गया पार्किंग एरिया, इसका भी मेरा स्टार्ट हो चुका इंटरलॉक। मेरा जो ड्राइंग में है दो डिज़ाइन है, एक क्रॉस डिज़ाइन और एक स्ट्रेट डिज़ाइन, और पार्किंग में है स्ट्रेट डिज़ाइन और फुटपाथ में क्रॉस डिज़ाइन। नीचे में मैंने ग्रे इंटरलॉक इसलिए यूज़ किया है क्योंकि ये पार्किंग एरिया, और पार्किंग एरिया में ग्रे ही यूज़ होता है। तो चलिए, मेरा 80% इंटरलॉक भी फिक्स हो चुका। अब पीछे से कट पीस डाला जा रहा है। देखिए, जो गैप है उसमें जो कट पीस डाल के उसको गैप को फिल किया जा रहा है। दोनों साइड आपका गैप है, और ये हो गया इंटरलॉक 8 सेंटी का ग्रे इंटरलॉक। तो चलिए, मैं आपको दिखाता हूँ साइट रेडी होने के बाद कैसा दिखता है। ये हो गया मेरा पार्किंग, इसमें रोड मार्क भी मैं कर चुका हूँ दोनों साइड, जो कि 6 मीटर पे रोड मार्किंग है, 6 मीटर बाई 2.5 मीटर। तो दोस्तों, आज का वीडियो मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताना,
और अगर चैनल में न्यू हो तो सब्सक्राइब वाला बटन जरूर दबाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नया कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए बाय।